मैं रेणु मिश्रा, आपकी कक्षा 5वीं की हिंदी अध्यापिका। बच्चों, आज हम हिंदी विषय में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत निबंध लेखन पर चर्चा करेंगे कि निबंध का अर्थ क्या होता है, उसके अंक कितने होते हैं, निबंध को लिखते समय हमें किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, निबंध की रूपरेखा किस प्रकार की होना चाहिए, भाषा कैसी होनी चाहिए, हम इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आइए हमें ये जानना है कि निबंध का अर्थ क्या होता है। निबंध का अर्थ है बंधा हुआ, यानी किसी विषय के ऊपर जब हम चर्चा करते हैं तो उसी विषय के अंतर्गत हम सारी बातों को अपनी रखते हैं, इसीलिए उसे बंधा हुआ बोलते हैं। निबंध में अपने विचारों को व्यवस्थित व क्रमबद्ध रूप में लिखा जाता है। अंग्रेजी भाषा में इसे एस्से कहा जाता है। बच्चों, निबंध व गद्य रचना होती है जिसमें किसी भी विषय पर विचार प्रकट किए जाते हैं, लेकिन इस बारे में यह ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जिस भी विषय पर आप निबंध लिखने जा रहे हैं उस विषय का आपको अच्छा ज्ञान हो, भाषा पर अच्छी पकड़ हो और कल्पना की उन्मुक्त उड़ान हो। हर छात्र को किसी भी विषय को अभिव्यक्त करने का ढंग होता है। यही कारण है कि एक ही विषय पर अलग अलग छात्र अलग अलग तरह का निबंध लिखते हैं, यानी हर एक व्यक्ति की विचारधारा अलग होती है। विषय एक ही हो लेकिन विचारधारा अलग होने से निबंध का भी स्वरूप अलग अलग हो जाता है। फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए, जैसे निबंध के विषय में से संबंधित विविध पहलुओं की जानकारी होनी चाहिए। इसके अंतर्गत सूक्तियाँ, उद्धरण, मुहावरे, काव्य पंक्तियाँ आदि भी हो सकती हैं। इस जानकारी को क्रमबद्ध ढंग में से बांट लेना चाहिए, यानी कि जब हम किसी विषय पर अब निबंध लिखते हैं तो हमें 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमें किस टॉपिक के बाद उसके बारे में जानकारी देनी है। विचारों के अनुरूप सरल मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करना चाहिए। विराम चिन्हों, वर्तनी यानी शब्दों की, वाक्यों की शुद्धता व शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। निबंध की समाप्ति उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। बच्चों, कुछ और बातें हैं जो निबंध लिखते समय ध्यान देनी चाहिए। निबंध में व्यक्त विचारों में परस्पर संयोजन और तारतम्य होना चाहिए। निबंध की भाषा विषय के अनुरूप होनी चाहिए। विषय से संबंधित सभी पक्षों पर चर्चा की जानी चाहिए। निबंध के उपसंहार यानी कि जो हम लास्ट का पैराग्राफ लेते हैं उसमें निबंध में कही गई सभी बातों का सारांश यानी कि ब्रीफ आना चाहिए। शब्द सीमा का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। वाक शब्द शुद्ध होने चाहिए। विराम चिन्हों का उचित जगह पर प्रयोग होना चाहिए, नहीं तो हमारे व्याकरण में वाक्य की परिभाषा चेंज हो जाएगी, वाक्य का मतलब चेंज हो जाएगा। निबंध के जो 3 अंग होते हैं, प्रस्तावना, विषय वस्तु यानी कि विस्तार और उपसंहार यानी कि समाप्ति, इन सारी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, यहाँ पर देखिए, एक मैंने निबंध का शीर्षक दिया है वृक्षारोपण का महत्व। आइए आपको समझाने हेतु इसका वाचन करते हैं कि निबंध की रूपरेखा कैसी होनी चाहिए। वृक्षारोपण यानी वृक्ष लगाना प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए तथा अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है। पेड़ पौधों के माध्यम से प्रकृति सभी प्राणियों पर अनंत उपकार करती है।
पेड़ पौधे हमें छाया प्रदान करते हैं, फल फूलों की प्राप्ति भी हमें पेड़ पौधे से होती है। पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है जो हमें जीवित रखने के लिए बहुत आवश्यक है। कई पेड़ पौधों की छाल औषधि बनाने के भी काम आती है, औषधि यानी कि दवा, मेडिसिन। इनकी लकड़ियों से फर्नीचर बनाए जाते हैं। पेड़ों से हमें कागज भी प्राप्ति होती है। पेड़ पौधों की सूखी पत्तियों से खाद भी बनती है। पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण को भी सुरक्षित रखते हैं, अतः हमें पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए। आज हम अपने लालच के लिए पेड़ पौधे काटकर अपने पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे पंछियों के घर उजड़ रहे हैं तथा वातावरण भी दूषित हो रहा है। वृक्ष काटने से ही बाढ़ यानी कि फ्लड आना, भूमि संकलन यानी कि जमीन खिसकना आदि प्रकृति के नुकसान होते हैं। तो बच्चों, आपने यहाँ पे देखा इस छोटे से निबंध को 3 पैराग्राफ यानी कि 3 अनुच्छेदों में सुंदर सरल भाषा में बांटा गया है। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने आपके एग्जाम्पल के तौर पर उदाहरण के लिए आपको कुछ निबंध दिए हैं, जैसे रक्षाबंधन है, गणेश उत्सव है, और भी बहुत सारे शीर्षक हैं जिनके मैंने उदाहरण के तौर पर यहाँ पर पूरी निबंध रचना दी है। आप इसका वाचन करिए, इसकी भाषा को, इसकी रूपरेखा को, निबंध के विराम चिन्हों, निबंध में आए विराम चिन्हों को, वर्तनी को, इन सारी चीज़ों पर ध्यान दीजिए। बच्चों, यहाँ पर मैंने एक दूसरे तरीके का निबंध दिया है। यहाँ भी मैंने 3 निबंध दिए हैं, जिसमें यहाँ पर मैंने पूरा निबंध की रूपरेखा नहीं दी है। यहाँ पर मैंने सिर्फ संकेत बिंदु यानी कि पॉइंट लिखे हैं। उस पॉइंट, उस संकेत बिंदुओं के आधार पर आपको इन 3 जो मैंने शीर्षक दिए हैं, उन 3 में से एक शीर्षक पर आपको अपनी विचारधारा व्यक्त करते हुए निबंध लेखन लिखना है। सारे बिंदुओं को, सारे पॉइंट्स को ध्यानपूर्वक पढ़िए, विचारों को अपने मस्तिष्क में उनका मनन करिए और उनका एक सुंदर भाषा में व्यवस्थित ढंग से निबंध तैयार करिए। आप अपने निबंध में विभिन्न प्रकार की सूक्तियाँ, मुहावरे, उद्धरण, महापुरुषों के कहे गए शब्द आदि शामिल कर सकते हैं। व्याकरण का विशेष तौर पर ध्यान देना है। भाषा सुधर, सुमधुर और सहज होनी चाहिए। बच्चों, इसी श्रृंखला में मैंने आपको गृह कार्य हेतु कुछ यहाँ पर निबंध के शीर्षक दिए हैं, जैसे इंटरनेट है, हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं, व्यायाम और हमारा स्वास्थ्य है, पेड़ पौधे और हम, धरती पर बढ़ता प्रदूषण, मेरी प्रिय पुस्तक, अनुशासन का महत्व। इनमें से आपको किसी एक शीर्षक पर सुंदर सुविचार व्यक्त करते हुए निबंध लेखन लिखना है। धन्यवाद।